एक वो बोलते हैं ना, एक एक आदमी जुड़ता जाता तो मजबूती होती जाती है, और बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हम पिछले कितने आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो, खिलाड़ियों का आंदोलन हो, या फिर अग्निवीर योजना हो, तो हर जो जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना वो हर देशवासी का अधिकार है। और मैं अपने आप को धन्यवाद भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई हम ऐसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पिछले एक दशक से बजरंग पुनिया को देश का युवा जो है गांव का छोड़ा सीधा साधा भोला भाला मानता है, और लोग चाहता है कि चुनाव आप लड़े हरियाणा विधानसभा इस बार। देखिए, जो पार्टी का फैसला हो वो हम मानेंगे। और दूसरा, ये आरोप जो आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं, बीजेपी अब ये कह रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री, कि अब इन लोगों का राजनीतिक मंशा सामने आ गया है, ये लोग एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हुड्डा परिवार के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलो, कौन से मुख्यमंत्री का मैंने अभी देखा नहीं है। भूपेंद्र सिंह खट्टर साहब, देखिए खट्टर साहब, उस टाइम पे जब बेटियां बैठी थी, जब कहाँ थे आप? और हमने तो आपको लेटर भेजा था, आपके जितने भी सांसद, महिला सांसद, सबके घर पे लेटर दे के आए थे, आप ही सपोर्ट कर रहे थे। क्या मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, क्या वो ब्रजभूषण से, जो ब्रजभूषण ने जो लड़कियों के साथ किया उसके साथ वो 100% श्योर है? आप अगर चुनाव लड़ते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी खेल में सुधार को लेकर होगा? हर मुद्दे पे जो लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई भी, हर मुद्दे पे हम हमेशा धरातल पे काम करेंगे और हमारे लोगों की हमेशा सेवा करेंगे। एक एक वो बोलते हैं ना, एक एक आदमी जुड़ता जाता तो मजबूती होती जाती है, और बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हम पिछले कितने आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो, खिलाड़ियों का आंदोलन हो, या फिर अग्निवीर योजना हो, तो हर जो जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना वो हर देशवासी का अधिकार है। और मैं अपने आप को धन्यवाद भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई हम ऐसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पिछले एक दशक से बजरंग पुनिया को देश का युवा जो है गांव का छोड़ा सीधा साधा भोला भाला मानता है, और लोग चाहता है कि चुनाव आप लड़े हरियाणा विधानसभा इस बार। देखिए, जो पार्टी का फैसला हो वो हम मानेंगे। और दूसरा, ये आरोप जो आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं, बीजेपी अब ये कह रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री, कि अब इन लोगों का राजनीतिक मंशा सामने आ गया है, ये लोग एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हुड्डा परिवार के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलो, कौन से मुख्यमंत्री का मैंने अभी देखा नहीं है। भूपेंद्र सिंह खट्टर साहब, देखिए खट्टर साहब, उस टाइम पे जब बेटियां बैठी थी, जब कहाँ थे आप? और हमने तो आपको लेटर भेजा था, आपके जितने भी सांसद, महिला सांसद, सबके घर पे लेटर दे के आए थे, आप ही सपोर्ट कर रहे थे। क्या मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, क्या वो ब्रजभूषण से, जो ब्रजभूषण ने जो लड़कियों के साथ किया उसके साथ वो 100% श्योर है? आप अगर चुनाव लड़ते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी खेल में सुधार को लेकर होगा? हर मुद्दे पे जो लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई भी, हर मुद्दे पे हम हमेशा धरातल पे काम करेंगे और हमारे लोगों की हमेशा सेवा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।